गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जितने प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। तो भैया जितने प्यारे बच्चे हैं जल्दी से आ जाइए कि सेशन को स्टार्ट किया जा सके बेहतरीन तरीके से। अब आप नहीं आओगे तो यार किसके लिए क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो भैया ऋषभ सोनी, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। तो सारे के बार सारे बच्चे भैया एक बार जो भी है क्लास को शेयर कर दो। शेयर नहीं करते यार तुम लोग, दिल दुखा देते हो सुबह सुबह यार, दोपहर में भी दिल दुखा देते हो, सुबह भी दिल दुखा देते हैं सब हैं। क्लास को शेयर होना करते हैं यार, एक सेकंड मुश्किल से 5 सेकंड का भी काम नहीं। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, जैसे ये सब करना ही चाहिए ना। बताओ तुम्हारी एक क्लास के लिए कम से कम 3 घंटे हमारे जाते हैं, 3 घंटे हम तुम्हारे लिए देते हैं, वो भी फ्री में। फ्री में 3 घंटे हम देते हैं तब तुम्हारी 1 घंटे की क्लास जो भी क्या होती है प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। और आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड नहीं देते कि क्लास को थोड़ा शेयर कर दें, जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जो भी क्या कर दें शेयर कर दें, ये काम ना करते, बहुत गलत बात है। बताओ कैसे टीचर मेहनत करेगा आपके साथ, कैसे कोई क्लास कंप्लीट वो कोर्स कंप्लीट करेगा टाइमली। मैं ना करूंगा कोर्स कंप्लीट, जाओ टाइम से भैया। जब तुम लोग शेयर होना करोगे हम ना शेयर करेंगे ना हम पढ़ाए होंगे कुछ, जाओ। मतलब क्लास हो सब टाइम से चलाओ सब वो करो, ये शेयर ना करते बदमाश। और कहते हैं ये कंप्लेन है आपसे, सारी कंप्लेन हमारी है, हमारी भी तुम लोग से कंप्लेन है कि तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, बहुत बड़ी कंप्लेन है। हमारा मन होना करता फिर पढ़ाने हो का, शेयर होना करते एकदम दिल दुख जाता है फिर है? ठीक है आओ। एक तो इतनी गर्मी है बताओ है? रख दो इतनी गर्मी के सड़क, इतनी गर्म है कि सड़क पे अंडा फूट जाए वो तुरंत आमलेट बन जाए, हम उतनी गर्मी में आए रहे और तुम लोग ये शेयर होना करते यार बच्चा। चलो तो भैया चलो, जहां से छोड़ा था क्वेश्चन वहीं से आगे बढ़ना है। ये देखो भागता है तो खूब भागता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे लास्ट जो कर सकते हैं टॉपिक था हमारा कहां था, ये आपका कर सकते हैं, ये सब देख चुके थे ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 92 या कुछ तक पे थे हम, ये भी देख चुके थे। हाँ ये देखो मेरे बच्चे, ये कल आपको होमवर्क देके गया था कि मेरे बच्चे ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट, ये वायु प्रदूषक क्यों है। सौरभ सैनी वेरी गुड आफ्टरनून, राजवीर प्रजापत वेरी गुड आफ्टरनून, चलो ठीक है। ये देखो ये ऋषभ मिश्रा है भैया, ऋषभ मिश्रा नहीं ऋषभ मिश्रा, सुमन कुमार वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। चलो हाँ मेरे बच्चे जल्दी से भैया शेयर कर दिया करो यार थोड़ा सा, क्योंकि कई बच्चों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाती कि क्लास आज है भी, इसीलिए कहता हूं। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड यदि बात की जाए पॉल्यूटेंट है, किस तरह जो भी वर्क करेगा ये हमारे लिए जो भी क्या है हानिकारक है क्यों है, सोचिए ऐसा क्या रीजन है किसे पॉल्यूटेंट या प्रदूषक में इसको रखते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। पहला, इट मेक्स द नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है भैया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। इट इनहिबिट्स द ग्लाइकोलाइसिस। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 92 का सी। देखो भैया यदि बात की जाए ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिससे बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये श्वसन प्रक्रिया का एक कह सकते हैं क्या, सिंपल सी कहते हैं पार्ट या भाग है, ठीक है ना। तो देखो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे देखो ध्यान से, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किससे, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है, कार्बोक्सी क्या, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। और ये जो कंपाउंड बनाता है मेरे बच्चे कभी भी इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डज नॉट बाइंड विथ एचबी हीमोग्लोबिन, बाय विच क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ O2 इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में क्या होती है ऑक्सीजन कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होगा डेथ हो जाएगी, मृत्यु।
इसे मेरे बच्चे यदि बात की जाती है एक नाम देते हैं सीओ पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या इसे यदि बात की जाए तो क्या बोलते हैं? सीओ पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव भी कहते हैं मेरे बच्चे। सर पीडीएफ एप्लीकेशन पे नहीं मिलता है, टेकपुर टेलीग्राम पर भी नहीं है। ओ बदमाश बच्चों, मैंने देखा था क्या, जो भी कर सकते पीडीएफ कल के कल मैंने क्या किया, अपलोड कराया है, ठीक है ना। कल की जो मैंने क्लास ली है, पहली क्लास मेरे बच्चों, उसकी पीडीएफ मैंने कल ही दे दिया था। मेरे क्लास की बोल लो या सभी की बोल लो, ये बता दो, मैं अभी तुम्हें प्रूफ देता हूं। मनीष कुमार वेरी गुड आफ्टरनून, इंद्रमणि गुप्ता आई है चुके आज के, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये बताओ मेरी क्लास की कह रहे हो या औरों की कह रहे हो, बताओ, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड है कि आज तक कोई पीडीएफ जल्दी लेट नहीं होती किसी वजह से। अभी देखो एग्जाम पूरा अपडेट हो रहा है, देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक मैं इस क्वेश्चन पे फोकस करता हूं। तो मेरे बच्चे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के आपके शरीर में जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके साथ अभिक्रिया करती है, और उसके साथ यदि बात की जाए, अब रुको यार एग्जाम पूरा ऑफिशियल खोल ही नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है लग रहा है। तो यहां पे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूटता ही नहीं है, जिससे यदि बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं पाता। जब तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा नहीं तो शरीर में ऑक्सीजन आएगी नहीं, ऑक्सीजन आएगी नहीं तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए सिंपल सी बात है क्या होगा, शरीर में बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से जो भी पर्सन है या जो व्यक्ति है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। भैया आज नजर लग गई है हमारे एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप को, ठीक है ना, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा कि हम तुम्हारे दिखाएं, ठीक है। तो ये कारण है कि भैया ये क्या होगा, जो भी पॉल्यूटेंट की तरह मेरे बच्चे काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी, बाकी मैं प्रयास में हूं कि जैसे खुल जाए तो मैं दिखा दूं कि भैया देखो ये क्या, तुम जैसा सोच रहे हो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। सर्वर एरर आ रहा है, कुछ शायद हो सकता है चीजें अपडेट हो रही होंगी एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप में, मैंने खोल के ओपन करके छोड़ दिया कि कुछ देर में खुलेगा तो तुम्हें दिखा दूं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे यदि बात की जाए 93 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा देखना। ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द, मतलब यदि बात की जाए किडनी में जो ब्लड है रक्त है इनमें से किसके द्वारा इंटर करेगी, प्रवेश करेगी, गुर्दे की धमनी, एक्सटर्नल कह सकते हैं इलियक जो भी एनर्जी ऊर्जा, ऑक्सिलरी आर्टरी मतलब साइड की जो आर्टरीज होती हैं किडनी के उनसे, इसके बाद कह सकते हैं अल्नार आर्टरी, ये अल्ना जो कह सकते हैं क्या होती है, ये अल्ना एक बोन है उसके पास से जो कह सकते हैं आर्टरी गुजरती है, ये है। क्वेश्चन नॉट सीन, भैया तुम एक काम करो चश्मा तुम पहले बनवाओ अपना बढ़िया है, कुछ तुम्हें क्वेश्चन ना दिख रहा बदमाश। और दूसरी बात है कि क्या करो, अपने सिंपल सी बात है एक काम और करो जल्दी से, आंखों को देखो पावर तुम्हारा बढ़ हो गया भैया, और दूसरे वीडियो की क्वालिटी देखो बढ़ाओ, देखो 93 का ए कोर्स धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे खुलता है मैं दिखाता हूं। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो रीनल आर्टरी है मतलब कह सकते किडनी की जो आर्टरी है ये मेरे बच्चे उसको क्या कहते हैं रीनल आर्टरी, इसके द्वारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है किडनी में शुद्ध रक्त प्रवेश करेगा, ठीक है ना। इतने बदमाश हो गए, मतलब दिखेगा तब भी कहेंगे नहीं दिख रहा है ना, ना 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 दिख रहा है। तो मेरे बच्चे हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनमें से यदि बात की जाए कौन किसने यदि बात की जाए लाइट की वेलोसिटी, ठीक है ना, लाइट या कह सकते हैं प्रकाश की वेलोसिटी को मेजर किया था मापा था, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रोमर ने। अभी कितने, दो तीन हुए, तुम लोग बतियाते भी तो मैं भी बात कर लेता हूं। अजय देखो आगे भैया देखो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे थे, मैंने कल ही बताया था कि लाइट की स्पीड को कौन किसने मेजर किया था, रोमर ने जो भी मैं किया था, और सबसे पहले यदि बात की जाए किसको, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप या यदि बात कर सकते हैं दूरदर्शी, इसे किसने बनाया था, इन्होंने। यदि बात की जाए सबसे पहले यदि बात की जाए प्रिमिटिव थर्मोमीटर मतलब कह सकते हैं तापमापी भी हमारे गैलीलियो साहब ने बनाया था, तो गैलीलियो साहब को हल्के में लेने की कोशिश मत करना।
तो गैलीलियो साहब ने क्या किया था, दो तीन ये काम बहुत अच्छा किए थे। और गैलीलियो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि भैया सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है। पर उस समय के जो चर्च के पादरी थे वो दिमाग से पैदल थे और उन्होंने क्या किया, गैलीलियो का फांसी चढ़ाओ इसको, ये ईश्वर के नियमों के खिलाफ बोला, फांसी चढ़ाओ। बेचारा गैलीलियो ने अंतिम समय तक भी अपनी राय बदली नहीं कि भाई क्या कर सकते हैं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का मतलब चक्कर काटती है, बदला नहीं, फांसी चढ़ गया भाई। पर इन्होंने क्या किया, अपनी बात जो भी क्या किया बदली नहीं मेरे भाई। तो इसे कहते हैं अपने बातों का पक्का होना। और भैया एग्जाम पूरा ऑफिशियल है, आज कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, नाराज हो गया, खुलने का नाम नहीं ले रहा कि तुम्हें दिखाऊं। आओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कंबाइंस टुगेदर टू कीप द प्लेनेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। इनमें से बात की जाए कौन सा कर सकते हैं फोर्स या बल है जो कर सकते हैं क्या, जो कि क्या करता है, सिंपल सी बात है, जो भी प्लेनेट है उनको क्या, उनके जो भी प्लेनेट है उनको उनकी कक्षा में बनाए रखने का सिंपल सी काम करता है। और मेरे बच्चे ये थोड़ा ध्यान से देख लो, तुम्हें कैमरे के एकदम नजदीक लाके दिखा दे रहा हूं। ये देखो कल की जो मैंने क्लास ली है उसकी पीडीएफ अपलोडेड है या नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो लल्ला, ठीक है ना। ये देखो कल मैंने जो क्लास ली उसकी पीडीएफ अपलोड करा दिया है। और तुम लल्ला हो ऐसे ना, तुम लोग इतने बदमाश वाले बच्चे हो कि भैया कहते हो पीडीएफ अपलोड नहीं है, पीडीएफ अपलोड नहीं, देखो तुम्हारे सामने दिखाया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देखो भाई, जितने भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर काटती है, तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है। पहली बात तो इन दोनों के बीच यदि बात की जाए एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम होगा मेरे बच्चे क्या, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में जितने भी आपके कह सकते हैं पिंड या ऑब्जेक्ट है जो भी है उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल ग्रेविटेशन लगता है। इस ग्रेविटेशन के वजह से क्या होता है, पृथ्वी को यदि बात की जाती इसको एक फोर्स मिलता है, कौन सा मेरे बच्चे कह सकते हैं, सेंटीपीटल फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स या अभिकेंद्र बल, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ या कोई भी प्लेनेट के ग्रह उसके अपने चारों तरफ क्या चक्कर काटता है। तो 95 का मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ए। कौन है बदमाश ये जो कहता है कि मैं अपलोड ना कराता, रिकॉर्ड है अब तक एग्जामपुर का कि भैया देखो बीमार हालत में भी रहा हूं, बुखार रही है तभी चार पचपन छह छह घंटे बच्चों के क्लास लेके मैंने कोर्स कंप्लीट करके दिए हैं, और तुम बदमाश कह रहे हो कि पीडीएफ ना अपलोड, इतना छोटी सी इल्जाम भी लगाया थी, इतनी छोटी सी कि पीडीएफ अपलोड ना कराते हैं, बदमाश कहीं के। चलो तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए 95 का, यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, 95 का ए। तो देखो मेरे बच्चे जितने भी ब्रह्मांड में तुम पृथ्वी पे हो ना, तुम्हारे और किसी और वस्तु के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पर तुम देख नहीं पाते हो, ठीक है ना। पर यदि कोई चीज तुम्हारे आगे मतलब चारों ओर चक्कर काट रही है तो भैया उसको चक्कर काटने के लिए यही तुम्हारे और उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सेंटीपीटल या विकेंद्र बल देगा। चले चलो अगला, अब कोई बताओ कोई क्वेश्चन, मेरे से कोई शिकायत हो तो बता दो, अब बताओ पूरे प्रूफ के साथ मैंने बोला है। और टाइमली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपका सही समय से सही तरीके से खत्म कर दूंगा, ये आपसे वादा है। और संडे को चुपचाप आ जाना 5 से 7, शाम को 5 बजे से 7 बजे, 5 से 7 बजे मतलब शाम को 5 to 7 एप्लीकेशन पे क्लास है, चुपचाप आना है, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, समझ लो। मेघनाथ, अगला है क्वेश्चन, मेघनाथ शाह इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, मतलब जो मेघनाथ शाह नाम के ये कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं या कह सकते हैं वैज्ञानिक, इनका क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान है। यूट्यूब पे नहीं है, एप्लीकेशन पे है, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, अना यूट्यूबर बनना मुझे, भैया जिन्होंने पैसे पे किए उन्हें तो अच्छा कुछ देना होगा ना। तो मेरे बच्चे यूट्यूब पे क्लास अब मैं जो ले रहा हूं यही लूंगा, इसके बाद लेने की उम्मीद कम समझो, ठीक है ना। तो भैया मैं जहां तक प्रयास करूंगा कि एप्लीकेशन पे क्लास जाना, मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे लेता हूं ज्यादातर, मैं एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे कम लेना चाहता हूं
यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं, सतप्रीत में हमको कह देंगे यूट्यूब पे तुम्हारी क्लास कंप्लीट करें। यूट्यूब पे नहीं लूंगा, तुम्हारे कोर्स खत्म करने हैं बदमाशों, समय से तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के कोर्स खत्म करने हैं। आइए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट यदि बात की जाए तो किससे बना होगा, तो पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, मिट्टी, जिप्सम। दूसरा है चूने का पत्थर, मिट्टी, सी लाइमस्टोन, चूना का पत्थर, जिप्सम, और यदि बात की जाए क्ले एंड जिप्सम, मिट्टी और जिप्सम। काय जी मैम से कहानी पढ़ोगे बदमाश हो, बहुत पिटाई करूंगा, तुम लोग बदमाश हो गए हो हैं, मैडम इतनी मेहनत से पढ़ाती है, पढ़ेंगे ना बदमाश कहीं के। तो मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं, जो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, मिट्टी हो गया और जिप्सम का मिश्रण, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है मेरे बच्चे सीमेंट कहलाता है। ठीक है यार मेरे बच्चे, 6 घंटे तो ऑलरेडी क्लास है संडे को, अब कितना लू बदमाश हो, मतलब ये चाहते हैं एक संडे भी मिले ना मैं कुछ ना करूं। अगला, ये जो ग्लैंड है इसका नाम है मियोबियन, मियोबियन ग्लैंड, मियोबियन ग्रंथि बोलते हैं। तो ये मियोबियन ग्रंथि कहां पाई जाती है, कान में, नाक में, आई, ये देखो आईयर नहीं है भैया, ये आई है, मतलब कह सकते हैं आंख है, नेत्र है, चक्षु है, ठीक है ना। अरे मैं कितना पढ़ाऊं भाई, मैं कितना सब्जेक्ट पढ़ाऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा तो रहा हूं, अब बायो भी मैं ही पढ़ाऊं, हाँ बदमाशी नहीं पढ़ो, बाकी जो भी दिक्कतें हो आप एग्जामपुर के जो टोल फ्री नंबर है आप उसमें कॉल कर लेना, अब मेरे से कुछ ना कहो, मतलब सब मैं ही पढ़ाऊं, हाँ बाकी लोग तुम ना पढ़ाने दोगे। देखो ये मेरे बच्चे क्या है, आईज है, आंख है, क्या है, आंख है, किसकी आंख है, हल्की आंख है, देखो ग्रीन वाली, हल्का कलर कैसा होता है, ग्रीन, तो ऐसी है। अब देखो मेरे बच्चे यहां पे आई लेसेस है, मतलब ये जो तुम्हारी पलकों के बाल है, पलकों के बाल में ही यहां पे देखो एक क्या है, मियोबियन ग्लैंड है, जिससे निकलने वाला कह सकते वो का नाम है, यहां से एक कह सकते हैं लिक्विड या तरल पदार्थ निकलता रहता है जो आपके आई लैसेस को चिपकने नहीं देता, और ये आई लैसेस के मतलब जो भी है ड्राई नहीं होने देता है। तो ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है, एक तो उसमें म्यूसिन की परत होती है, एक बात कर सकते हैं क्या होती है, म्यूसिन की परत होती है, मतलब जो चिपचिपे थोड़े से पदार्थ है, एक पानी की परत और दूसरा लिपिड या तेल की परत, ये क्या करती है पलकों को ड्राई या खुश्क नहीं होने देती है, क्योंकि कई बार मियोबियन ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है तो आप देखो पलकों पर खुजली होती है, ऐसे खुजली करते हो तो कुछ मतलब डेंडफ या रूसी की तरह जो भी चीजें निकलती हैं। तो ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए मियोबियन ग्लैंड किससे संबंधित है, मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं क्या, मेरे बच्चे यदि बात करें तो किससे संबंधित, तो ये ग्लैंड यदि बात की जाए संबंधित होगी किससे, आईज या आंख से संबंधित। ठीक है अरे तो मेरे बच्चे कितनी चीजें मैनेज की जाए बदमाशों, मतलब सब मैं ही लूं, एक दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट ना करूं, संडे एक दिन मिला उस दिन भी 6 घंटे तुम्हारी क्लासेस ले रहा हूं, हैं 2 घंटे एमपी चैनल पे, 2 घंटे तुम्हारे चैनल पे 5 से 7 ले रहा हूं, 8 से 10 सुबह ले रहा हूं एमपी चैनल पे, और दोपहर में उसके बाद 11 से 1 ले रहा हूं टीचिंग चैनल पे, 6 घंटे तो क्लास ले रहा हूं संडे को, मतलब एक दिन खाली ना बैठने देंगे मुझे बदमाश,
देख रहो बदमाशी इन लोग की. लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, मतलब इनमें से बात की जाए किस प्लांट से निकलने वाला मिल्क या दूध जैसा पदार्थ, ठीक है ना. तो इनमें से किस मतलब जो भी कौन सा पौधा है जिससे मिल्क या दूध की तरह निकलने वाला पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. अच्छा नेहा कुमारी करिए एक घंटे यूट्यूब पे ले लो, घबराओ नहीं, सिलेक्शन हो जाओ. तुम लोग से दक्षिणा मैं बड़ी वाली लूंगा दक्षिणा, घबराओ नहीं है. बहुत तुम लोग भैया सिर्फ क्लास ले रहे हो, घबराओ नहीं, बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा लूंगा तब पता चलेगा. आओ तो मेरे बच्चे यदि बात की जाते यहाँ पे जो रबड़ प्लांट है कौन सा मेरे बच्चे, जो रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट को यदि बात की जाए कहीं से कट करोगे तो उससे क्या होता है मिल्क या दूध जैसा पदार्थ निकलता है, नीचे से कहते हैं लैटेक्स. इस लैटेक्स को इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है और उससे क्या होता है रबड़ तैयार होता है, ठीक है ना. अगला, हु इन्वेंटेड द डायनेमो, इनमें से यदि बात की जाए कौन, किसने मेरे बच्चे यदि बात की जाए डायनेमो का आविष्कार किया था, जल्दी से बता दो, बताइए इनमें से किसने डायनेमो का आविष्कार किया था, क्वेश्चन नंबर 10 10 100. तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो कह सकते हैं जो माइकल फैराडे हैं इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था. और डायनेमो मेरे बच्चे एक ही काम करता है, क्या काम करता है मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो कह सकते हैं मैकेनिकल, क्या ये याद रखना मेरे बच्चे अक्सर कन्वर्जन पूछे जाते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा या मेरे बच्चे कह सकते हैं क्या यांत्रिक ऊर्जा को ये किसमें कन्वर्ट करता है, तो मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना. तो किसने इसकी खोज की, माइकल फैराडे ने. और देखो मेरे लल्ला ध्यान से देखो, ये मेरे बच्चे देखो कल 16 अक्टूबर है, पूरी जी जान लगा देनी है. और मैं ये नहीं सुनूंगा कि सर हमें तो सीधी से बात है फ्री कोर्स चाहिए नहीं था, मेरे लल्ला ये फ्री कोर्स के लिए नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि मेरे बच्चे अपने देखो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, हजारों लाखों बच्चों में भैया तुम टॉप 10 में आओगे कितना अच्छा देखो सोचो लगेगा यार. ये फ्री कोर्स छोड़ दो, ये तो भैया फ्री कोर्स छोड़ दो, तुम्हारा रिवार्ड्स तो ये है कि तुम टॉप 10 में आए. सोचो यदि तुम टॉप 10 में आ जाते हो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, भाई साहब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा ना, यूं पेज पलटोगे किताबों के और यूं चीजें याद होंगी. क्योंकि इंसान हारता है ना वही, देखो कभी भी किसी कह सकते परीक्षा हो चाहे युद्ध में, हारता कौन है जिसका कह सकते उत्साह का स्तर कम होता, जिसका उत्साह का स्तर ज्यादा होता है वो बड़े से बड़े कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए क्या होता है बाहुबली की तरह निकल जाता है. तो मेरे बच्चे कल आप सभी को पूरे बाहुबली की तरह क्या करना है भैया, परफॉर्मेंस देना है 16 अक्टूबर को सुबह कर सकते हैं 12 बजे, दोपहर 12 बजे से रात के कर सकते हैं 12 बजे तक के बीच में ये क्या करना है स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, जो 100 ये कर सकते हैं 60 मिनट, मान 1 आवर्स में 100 क्वेश्चन है. अरे जितना ज्यादा सही करोगे तो उतना ज्यादा चांसेस है तुम टॉप 10 में आ सको मेरे बच्चे. तो सभी को प्रयास करना है, ठीक है ना, इसमें आना जरूर है. और इसके अलावा भी एक खुशखबरी अभी थोड़ी देर में देता हूं तुम्हें, पर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ. तो कल भैया जो है ना, और सबको एग्जाम पूरा ऑफिशियल डाउनलोड करके रख लेना है जल्दी से आज के आज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से बात की जाए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है. सुमन कुमार भी आ चुके, हर्षिता मालो भी बच्चा आ गया, देखो बताइए इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है. एक मेरा देखो विक्रम पंडित बच्चा बोल रहा है फिश ऑयल, मेरे बच्चे फिश ऑयल ये मतलब क्लियर आंसर नहीं है, इसका यदि बात की जाए परफेक्ट आंसर होगा तो मेरे बच्चे कह सकते हैं कॉड एंड शार्क फिश, कॉड एंड शार्क फिश लीवर ऑयल, मतलब कह सकते हैं क्या कॉड और शार्क मछली के यकृत का तेल. तो कॉड और शार्क मछली के यकृत को क्या करते हैं भैया, इसको काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है ना.
काट के निकाल लिया जाता है। मेरे बच्चे यदि बात कीजिए एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन है, एग्जामपुर ऑफिशियल, अभी बता देता हूं। तो भैया कॉर्ड ये क्या निकाल लिया था, इसको फिर क्या किया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पे गर्म करने से इससे जो ऑयल निकलता है उसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में मिलती है, ठीक है ना। तो जो कैप्सूल खाते हो रतौंधी होने पे उसके अंदर यदि बात की जाए तो कॉर्ड और सार्क मछली के यकृत का तेल होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए। अगला, लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं चूने का पत्थर इनमें से किस इंडस्ट्रीज में उपयोग में लाया जाता है, बताइए। चूने का पत्थर यदि बात की जाए किस इंडस्ट्री में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स। और देखो मैं हमेशा सोचता हूं कुछ नए क्वेश्चन ले आओ, कुछ नया बताऊं तुम्हें। लोकेश झा मेरे बच्चा सीमेंट बोल रहा है, ऋषभ सैनी मेरे बच्चे सी, ठीक है। और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दिवाली यादगार हो, इसलिए स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना। तो मेरे बच्चे से बात की जाए जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वहां पे क्या किया जाता है, लाइमस्टोन का यूज या उपयोग किया जाता है। दशरथ राजपूत भी सी बोल रहे हैं, ठीक है। और देख लो ना जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं इनमें से ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चंस, मुझे बाकियों का तो नहीं पता पर इतना मैं जरूर तुमसे वादा करता हूं कि इतने क्वेश्चन डीआरडीओ से पहले करा चुका हूं कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेशन से आएंगे, तुमसे वादा है। चलो, Which of the following is the highest quality of hard coal? इनमें से बात की जाए कठोर कोयले की सबसे अच्छी इसमें से स्पीसीज या प्रजाति क्या हो, ठीक है ना। और घबराओ नहीं, अभी 5-5, 6-6 घंटे की भी साइंस की पूरी कंप्लीट साइंस की मैराथन रखूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की रखूंगा और चैप्टर वाइज तुम्हें हर चीज की प्रैक्टिस करा दूंगा, तुमसे वादा है। बस थोड़ा धैर्य रखो, दिवाली थोड़ी बीत जाने दो, ठीक है ना, उसके बाद तुम देखो। तुम खुद कहोगे सर अब रहने दीजिए, हार मानोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर जान जाओ। तो मेरे बच्चे यदि बात कीजिए एंथ्रासाइट इसमें कितना 82-85% ये कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे यदि बात कीजिए 80-90% इसमें कार्बन है। बिटुमिनस यदि बात की जाए तो 80-85% कार्बन। लिग्नाइट यदि बात की जाए तो कह सकते हैं 70-80% कार्बन। सबसे घटिया है 50-60% मेरे बच्चे, ये होता है पिट, कोयले की सबसे घटिया प्रजाति जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम है। और ये जो यदि मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं जो पिट है इसे कह सकते हैं क्या, ओल्ड कोल्स बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं मेरे बच्चे इसे क्या बोलते हैं, लकड़ी का कोयला। ये सब चीजें याद रखना, क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। मेरे बच्चे यदि बात की जाए लिग्नाइट, लिग्नाइट को मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो बोलते हैं ब्राउन कोल, मतलब मेरे बच्चे भूरा कोल। ये सारे छोटे छोटे जो शब्द है वर्ड है मेरे बच्चे याद रखना। बिटुमिनस को यदि बात की जाए तो कह सकते हैं मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ कोल, मतलब मेरे बच्चे कह सकते हैं कोयले की सामान्य प्रजाति जो आसानी से मिल जाती है बिटुमिनस है, ठीक है ना। ये सर कोपा बैच क्या है, भैया मैंने कोपा बैच तो कोई कहा ही नहीं है, तुम ही कह रहे हो, ऐसा बैच तो मैंने ना सुना, बिल्कुल ना सुना। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो कोल की प्रजाति है या स्पीसीज क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। चलो न्यार आ गए, वेरी गुड आफ्टरनून। तो भैया जल्दी से सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दिल से। और ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा जरूर, कि किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या कह सकते आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ये आपको मैक्सिमम एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में डेड श्योर है मिलता ही मिलता है। मेरे बच्चे यार अब मुझे क्या पता कोपा बैच क्या है, भैया मैंने जो पढ़ा था मुझे उसका पता है, बाकी ये कोपा कुछ होगा यार, अब मैं इंसाइक्लोपीडिया या ब्रिटानिका थोड़े हूँ कि सब मुझे पता होगा यार, मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चे आओ, इनमें से किस हार्मोन को बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन, 104 का सी, ये कौन मेरा बच्चा बोला, एड्रेनलिन। अब जितने नाम लिख रहे हो चुपचाप वो नाम लिख लो। एक तो मेरे बच्चे इसे कह सकते हैं ईपीनेफ्रिन,
ये सारे के सारे नाम याद होने चाहिए टिप्स पे। एक इसका नाम है ईपीनेफ्रिन, एक तो नाम ये याद रखना। दूसरा नाम यदि बात की जाती इसे कहते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन तो हो ही गया। इसके अलावा यदि बात की जाती इसका नाम है डू और डाई हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, मतलब कह सकते हैं मेरे बच्चे करो या मरो हार्मोन, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा इसे मेरे बच्चे बोलते हैं क्या, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। मेरे बच्चे इसे कह सकते हैं तनाव का हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बोलते हैं क्या, 3F हार्मोन भी बोलते हैं, जहां पहले एफ से मेरे बच्चे फ्राइट भय होता है। जब आप डरे होते हो तो इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है और आपको डर को भगाता है। इसके बाद फाइट, मदद कर सकते हैं लड़ना, जिन लोगों में इस हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा ये लड़ने के लिए भैया उतारू रहते हैं, भैया बच के रहना, फ्राइट फाइट। इसके बाद कर सकते हैं फ्लाइट, फ्लाइट मदद कर सकते हैं भागना, ठीक है ना। ये क्या होगा, भागना, ये भी इसका जो भी कर सकते हैं नाम है, ठीक है ना। तो ये हो गया जो भी इसके नाम। और एक ऊपर वाला नाम तो देखो भैया वो भी है, इस ये इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, या मेरे बच्चे कह सकते आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन। तो जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ये आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है उस इमरजेंसी कंडीशन से जूझने में, या उससे कह सकते भागने, मतलब छुटकारा पाने में। तो ये जितने नाम है मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे, और एक बार सेशन को जो भी क्या कर रही है, जो भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हार्मोन था एड्रेनलिन। अगला मेरे बच्चे, Which of the following term is not associated with the sound wave? इनमें से बात की जाए कौन सा टर्म है जो साउंड वेव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, हर्ट्ज, डेसिबल, ये कह सकते हैं कैंडेला, ये कैंडेला से कैंडलार कर दिए हमारे टाइपिस्ट महोदय, वो भैया थोड़े बुजुर्ग हो गए तो भैया कर देते, बहुत मेहनत करते हैं वो। तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया, कैंडेला। इसके बाद देखो मैच है, मैच को माचो कर दिया इन्होंने। ओ, 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 तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपका, हम कह सकते हैं ये मैक को मैच कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी माचो कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग हैं, गलतियां कर सकते हैं, मैं सुधार देता हूँ। तो भैया यहाँ पे मैच, ये माचो नहीं है, ठीक है ना, मैक है, ठीक है। चलो साहिबा बच्चा आ गया। इनमें से कौन सा जो भी साउंड या ध्वनि से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे क्या, ये जो कैंडेला है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, मतलब कर सकते हैं क्या, प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, अगला। और सेशन को भैया जितने बच्चे जुड़ते जाए थोड़ा सा प्लीज शेयर कर दिया करो यार। Who among the following is invented the laser? ठीक है ना? इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लेजर की डिस्कवरी की या खोज किया? बताइए इनमें से कौन है जिसने लेजर की डिस्कवरी किया या लेजर की जो भी मेरे बच्चे खोज किया, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए लेजर की डिस्कवरी या खोज किसी और ने नहीं किया, बल्कि इन्होंने किया थ्रीडो मैमन ने, ठीक है ना। तो थ्रीडो मैमन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, लेजर की डिस्कवरी किया, और बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे बच्चे किसने, ठीक है ना, किसने, विक्रम पंडित ने, ठीक है ना। और हमारे यहां वाराणसी में बहुत अच्छी देव दीपावली मनाई जाती, पूरे घाटों को सजाया जाता है, कसम बताऊं दिल खुश हो जाता है। जयास महाजन भैया मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, जयास मेरे बच्चे एप्लीकेशन पे मैं क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स, और यदि बात कर सकते हो केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये दो सब्जेक्ट की क्लासेस मैं ही, मतलब मैं अभी तक की तो मैं ही लूंगा, ठीक है ना, बाकी बायो सतप्रीत मैम पढ़ाएंगी। चले आओ,
अगला मेरे बच्चे, द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन, मतलब यदि बात की जाए जो द्रवित ऑक्सीजन है, जो आपके सिलेंडर में द्रवित ऑक्सीजन जो भरा जाता है, तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए उसका कलर कैसा होगा? तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए जो द्रवित ऑक्सीजन है इसका यदि बात की जाए जो कलर है, रंग है, ये कैसा होने सकता है? तो ये मेरे बच्चे जो कर सकते हैं द्रवित हाइड्रोजन, वो क्या नाम है, वो है क्या बोल सकते हैं आपका, द्रवित आपका ऑक्सीजन, ये डार्क ब्लू या नीले रंग का होता है। और यदि कसम बताऊं ना, यदि आज के आज ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी से हट जाए, सारे जली जंतु मर जाएंगे, दूसरा समुद्र का जो पानी है वो क्या होगा मेरे बच्चे, तेजी से यदि बात की जाए पीछे की तरफ हटने लगेगा, साथ में दिन में ही पूरा कोहरा धुंध छा जाएगा पृथ्वी पे, ये स्थिति हो जाएगी यदि पृथ्वी से हट जाए क्या आपका ये। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं, वो खुशखबरी दे दूं क्या? हाँ हाँ, ये वलमराव जाधव, हाँ मराठी में कन्नड़ मलयालम एल्ले वल्ले चले, ये जब भी मतलब मैं कन्नड़ मलयालम भी पढ़ाऊंगा, बढ़िया भैया मैं सर्वभाषी हो जाऊं, सारी भाषाएं मुझे सीख लेनी चाहिए। तो देखो आप सभी कर सकते विद्यार्थियों के लिए या सभी स्टूडेंट के लिए कल विद्यार्थी दिवस पे कर सकते क्या एक बेहतरीन ऑफर जो भी मिलने वाला है, ठीक है ना? और वो ऑफर कब है, कल ये बात की जाती है, ये जो ऑफर है 16 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ये रहेगा। और ये ऑफर क्या है, सभी विद्यार्थी जो एग्जामपुर से जो कोर्स लेंगे, कौन से कोर्सेज लेंगे मेरे बच्चे यदि बात कीजिए, एसएससी जेई इंजीनियरिंग का कर सकते बैच, डीआरडीओ बैच, यूपीपीसीएल टीसीटी 2 डीआरडीओ बैच कम्बो, ये जो भी कर सकते कोर्सेज यदि आप लेंगे तो 16 अक्टूबर के रात के 12 बजे तक इन सभी कोर्सेज पे मेरे बच्चों कल मतलब 16 अक्टूबर को 12 रात के 12 बजे तक इन सभी कोर्सेज पे 75% मतलब 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? क्या होगा 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके लिए कुछ करना नहीं है, करना क्या है बस सिंपल सा काम करना, आपको क्या करना है मेरे बच्चे की बात की जाती है एक कोड यूज करना है, कौन सा, इस कोर्स को लेने के लिए आपको कोड यूज करना है APJ75, ठीक है ना? तो भैया एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे भैया विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, और उसके आधार पे हम कल क्या आपको जितने भी कोर्सेज अभी मैंने बताया उन सभी कोर्सेज पे यदि बात की जाए 75% का डिस्काउंट मिलने वाला, उसके लिए कोड यूज करना मत भूलिएगा APJ75। और ये सभी जो कोर्सेज होंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ही क्या होंगे, मिलेंगे। तो फिर से बता देता हूं कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये जिसपे कल 16 अक्टूबर रात के 12 बजे तक मिलेगा, एसएससी जेई इंजीनियरिंग बैच, डीआरडीओ बैच, डीआरडीओ कॉम्बो बैच, और यूपीपीसीएल टीजीटी 2, ये जो इतने बैचेस हैं इन पे 75% का ऑफर कर रात 12 बजे तक मिलने वाला है, ठीक है? तो सभी के सभी बच्चे एकदम भैया चौकन्ने होके इन कोर्सेज को ले लीजिए। चलो भैया वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे, ठीक है चले। और इसके लिए भैया एक ही काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा आपको, लेना पड़ेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, जिनके मोबाइल में है वही इन कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे देर मत कीजिए, आज 15 तारीख खत्म ही है, इसके बाद कल 16, दिन बीतते देर नहीं लगता, और क्या पता जिस समय आप परचेज करने जाएं उस समय भैया सर्वर में आप दिक्कत हो गए या आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो गई, तो भैया कोर्स खरीदने से वंचित रहोगे, इसलिए लास्ट मोमेंट के लिए मतलब प्रिपरेशन मत कीजिए खरीदने का। फिनोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिनोल की यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे इनमें से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग करते हैं, मेरे बच्चे एक काम कर लो ना, वो कोर्स जो लेना है सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, जो पैसा तुम्हारे पास है वो किसी को दे दो कि भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे मेरे बच्चे नेहा कुमारी। मेरे बच्चे यदि आपको कोर्स लेना तो क्या करो, आपके पास तमाम तरीके हैं जिससे पे कर सकते हो, जैसे किसी के मोबाइल में मेरे बच्चे क्या है गूगल पे है, यदि बात की जाए मेरे बच्चे यदि कर सकते हैं फोन पे है उससे कर सकते हैं, दूसरा पेटीएम इनसे कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना? और भी ऑप्शन है आपके, कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
डेबिट कार्ड हो गया, इसके अलावा भी बात कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी पेमेंट हो सकता है मेरे बच्चे, क्या दिक्कत है? अब से क्या तो कह रहे पीडीएफ कहां से मिलेगा? अच्छा मतलब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें इतने अच्छे लगे कि पीडीएफ चाहिए, अच्छा मेरे बच्चे कर दूंगा। मेरे बच्चे नेहा तुम्हारे फोन में नहीं है पर आस पड़ोस में मतलब कोई आपके मतलब कर सकते जानने वाले होंगे उनसे करा लो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे अब से क्या दो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। भैया आप सभी की जितनी भी दिक्कतें हैं ना क्लास खत्म होने के बाद मेरे बच्चे यदि बात कर जाए ऑफलाइन कमेंट्स में लिख दीजिए क्योंकि सबकी कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रिप्लाई नहीं कर पाऊंगे क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी। तो क्लास खत्म होने के बाद जिसकी जो प्रॉब्लम है चाहे मेरे से भी दिक्कत कि सर आपकी आवाज मीठी नहीं है ठीक है ना, कोई दिक्कत मुझसे भी हो ऑफलाइन कमेंट में लिख दीजिए। चलो भैया जयास ठीक है। मेरे बच्चे यदि बात की जाए कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका नाम क्या है, तो मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेकपुर ऑफिशियल। यहां से मेरे बच्चे यूट्यूब की आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, पेड वो कोर्स के लिए मिलेगी। तो ये हमारा क्या है मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टेकपुर ऑफिशियल। यहां से जो भी पीडीएफ आदि आपको जो चाहिए मैं अपलोड करा दूंगा और यहीं से मिल जाएगी ठीक है मेरे बच्चे। तो नेहा किसी के मोबाइल में, मेरे बच्चे ठीक है फोन में नहीं है तो मेरे बच्चे एक काम कर सकते हो किसी के मोबाइल में क्या कर लो एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप कह दो कि जो भी मतलब रिलेटिव है उनसे कह दो मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे टेकपुर एग्जाम ऑफिशियल ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पर क्या करनी है आपको, सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल हमारा टेकपुर ऑफिशियल, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ना, इस पे पीडीएफ मिल जाएगी मेरे बच्चे अब से क्या दो। जयाश महाजन मैं क्या रिप्लाई करूं मैं समझ नहीं आता मेरे बच्चे। बेटा नेहा तो एक काम कर सकते हो किसी को कह दो कि वो अपने मोबाइल में क्या करें एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें। चलिए मैं बता देता हूं भैया कोर्स कैसे खरीद सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूं क्योंकि भैया आप किससे कहोगे, मैं ही तो हूं। चलो जब मैंने आपसे वादा किया कि आपकी हर समस्या में मैं साथ दूंगा तो मैं बताना भी मेरा काम है। मेरे बच्चे कोई कोर्स लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है किस पे प्ले स्टोर पे, वहां सर्च करना है क्या इज्जापुर सरकारी नौकरी प्रेप एप्लीकेशन। इसके बाद क्या कर रही है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मतलब यहां से इंस्टॉल कर दिया फिर ओपन मतलब खोलिए, यहां रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का ऑप्शन आएगा, यहां पे पंजीकरण में पूरी डिटेल डाल दीजिए। पूरी डिटेल मेरे बच्चे डालने के बाद आपके पास क्या होगा, सिंपल सी बात है इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, सिंपल से ये कह सकते हैं आपके स्क्रीन पे एग्जाम पूरा ऑफिशियल पे यहां पे स्क्रीन पे सबसे पहले यही ऊपर आएगा पेड कोर्स आएगा। मेरे बच्चे पेड कोर्स में जाके आपको जो कोर्स चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जब पेमेंट की बारी आए तो मेरे बच्चे क्या कीजिए कल तक में एपीजे 75 कोर्स आपको क्या करना है एपीजे 75 कोर्स, ये सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए एपीजे 75 कोड यूज करने पर 75% डिस्काउंट के साथ वो कोर्स मिल जाएगा। पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गूगल पे फोन पे पेटीएम किसी से कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आपकी कर सकते रहेगी। तो मेरे बच्चे जो भी समस्या है जैसे क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे पौन घंटे बाद जो अपनी समस्या है सब सोच लीजिए और जो कमेंट होता है कमेंट सेक्शन होता है ना क्लास खत्म होने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितना हो सके मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं ठीक है। तो भैया आज की क्लास तुमने इंक्वायरी क्लास बना दी मेरी, चलो कोई बात नहीं तुम संतुष्ट हो, बाकी बच्चे इरिटेट तो होते हैं मैं क्या करूं, पर क्या करूं सबको तो देखना है, ना देखो तो कोई नाराज होगा।
ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए यहां पे क्या कि जो फिनॉल है इसका इनमें से किसके फॉर्मेशन या निर्माण में, तो मेरे बच्चे कह सकते हैं फिनॉल आपका यूज होगा किसमें, बैकेलाइट के निर्माण में। और बैकेलाइट यदि मेरे बच्चे यदि बात की जाती है ये क्या है, थर्मो, ये एक तरह के प्लास्टिक का टाइप है जिसके बारे में सुन लीजिए क्वेश्चन आता है। ये मेरे बच्चे यदि बात की जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब मेरे बच्चे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कैसे समझोगे, मेरा तरीका याद रखो कभी नहीं भूलोगे। थर्म, थर्म मतलब क्या करना, हीट करना या गर्मी देना। सेट, सेट मतलब सेट हो गया, सेट मतलब सेट। तो यहां पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक बार यदि कह सकते हैं इस प्लास्टिक को, बैकेलाइट को आपने गर्म करके सांचे में ढाल दिया, ठीक है ये सेट हो गया। पर अगली बार यदि जब आप इस प्लास्टिक को गर्म करोगे बैकेलाइट को, तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। जैसे मेरे हाथ में ये डिजिटल स्टाइलस है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये थर्मो, ये कह सकते हैं बैकेलाइट का बना है। यदि मैं इसका गर्म करके सांचा बदलना चाहूं तो ये जलने लगेगा। आप क्या कह सकते हैं, कुकर जो हैंडल है और वो चाय की जो सस्पेन की हैंडल है, उस बस जितने भी कह सकते हैं कार के स्टेयरिंग है, घरों में आपके स्विच जो है, जितने भी स्विच हैं, रेगुलेटर है, सब बैकेलाइट के बने होते हैं। यदि उन्हें एक बार मतलब जो सांचा ले चुके हैं, अगली बार यदि गर्म किया तो वो जलने लगेंगे, कोई आकार नहीं लेंगे। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलो थैंक यू आपसे एक बच्चा के बारे में क्वेश्चन अच्छे लगे, थैंक यू। तो यही कहता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी एक घंटे की क्लास के लिए 3 घंटा मुझे देना पड़ता है और तुम लोग कंजूसी कर जाते हो किसमें, जो भी सेशन को शेयर करने में। अब द जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोर ऑफ अर्थ, मेरे बच्चे यदि बात कह सकते हैं कि जो अर्थ का कोर होता है इनमें से किसका बना होता है, आयरन, निकल, मतलब कह सकते हैं लोहा और निकल का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, सिल्वर मतलब चांदी और सोने का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, खुश। अभी सेशन को थोड़ा शेयर किया करो। चलो चलिए मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए जो पृथ्वी का कोर है इसमें से यदि बात की जाए तो दो एलिमेंट का मेनली बना है, आयरन एंड कह सकते हैं निकल। इसको याद करने का तरीका क्या है, फिकोनी, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका फेनी याद रखना, ठीक है, फेनी याद रखना। और देखो तुम्हें कुछ चीजें याद करा देता हूं, ये पृथ्वी का तुम्हारे बच्चे बीच में, तुम्हें आज तुम्हें तरीका बताता हूं याद करने का। बीच में जो कोर है मेरे बच्चे यदि बात की जाए जो बीच में कोर है ये किसका, आयरन और निकल का बना, फेनी याद रखना। ऊपर का यदि बात की जाए तो ये जो लेयर है मेंटल, ये मेरे बच्चे किसका बनेगा, सियोल का बनेगा, सियोल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना है। और इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज है मतलब एलिमेंट, वो ऑक्सीजन है 46.6%। इतने चीजें याद रखना पूरी जिंदगी भर में, कभी भी यदि बात कर सकते तो कभी भी तुम भूलोगे नहीं और यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। कोर में क्या होगा, फेनी होगा, फेनी मतलब आयरन निकिल होगा। यहां पे सियोल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम से मेंटल बना होगा, पृथ्वी की दूसरी लेयर, सबसे अंदर कोर होगा उसके ऊपर मेंटल होगा, उसके ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट में बात की जाए सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, या एलिमेंट ये आपका हो सकता है मेरे बच्चे, कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेरे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते आपके यदि बात की जाए, सिंपल सी बात है 6-7 क्वेश्चन आ जाएंगे पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 110, नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ, पृथ्वी में पाई जाने वाले सबसे भारी धातु, गोल्ड, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोडियम। गोल्ड का सिंबल होगा Au, ऑस्मियम OS, Pt प्लेटिनम, सोडियम Ye। तो सबसे भारी यदि बात की जाए जो मेटल या धातु है इसका नाम मेरे बच्चे क्या हो सकता है। एक बच्चा नेहा कुमारी बच्चा बोल रहा है, क्या भैया, बी, बिल्कुल सही है, सबसे भारी ये कह सकते हैं एलिमेंट या तत्व यही है, ठीक है ना। अरे बता दिया भैया, नेहा राय, 5 से 7 क्वेश्चन बहुत हैं इतने। अगला,
द गैस विच स्मेल लाइक अ रोटेन एग, इनमें से कौन सी जो गैस है सड़े अंडे की तरह महकेगी? बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो सड़े अंडे की तरह महकेगी? अब सड़ा अंडा कैसे महकता है, तो अंडे को फोड़ के ऊपर से बस थोड़ा सा छेद करके रख दो और सड़ने दो, फिर देखो उसकी कैसी बदबू या खुशबू आती है, पता चल जाएगा अंडा कैसे सड़ता है, ठीक है ना। ये देखो भैया किंजल, किंजल त्रिपाठी, मेरा बच्चा ये बोल रहा है, मेरा बच्चा क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की वजह से जो पीतल होता है, ठीक है ना, मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं इसी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ब्रास है, या मेरे बच्चे यदि कर सकते हैं जो पीतल है, ये कैसा इसका पीला रंग, मेरे बच्चे कैसा होने लगता है, पीला से यह हल्का पीला होने लगता है इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के वायु में उपस्थिति के वजह से। तो मेरे बच्चे 111 का डी आंसर, ठीक है। और देखो बहुत शुभ संख्या पे आज की क्लास खत्म हो रही है, 111 नंबर, ठीक है। चलो तो मेरे बच्चे की बात की जाए, वन क्वेश्चन नंबर 112, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बात की जाए कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। दिया मजुमदार भी आ चुकी है। चलो तो मेरे बच्चे आज के सेशन में यही खत्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो चुका है। बाकी यदि कोई दिक्कत परेशानी हो, चाहे रायाश महाजन या जितने भी लोग हैं, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, मैं चीजें आपकी जो भी सॉल्व करा दूंगा, ये आपसे वादा है। तो मैं फिर याद दिलाता हूं मेरे बच्चे, कल आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और स्कॉलरशिप में टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए या कोई भी कोर्स या कोई भी क्लास की PDF लेने के लिए आपके मोबाइल में इस क्या होना चाहिए, ये एप्लीकेशन किसी भी हालत में होना ही चाहिए। क्या ये कौन सा एप्लीकेशन, तो मैं लिख देता हूं आपके मोबाइल में, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप होना चाहिए, और साथ में टेकपुर चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है इसका नाम है टेकपुर ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे भी आपके क्लास के PDF जो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भैया सेशन को जितना ज्यादा लाइक और शेयर कर दिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और साथ में सेशन अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, यदि बुरा लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या चीज अच्छा लगा ये भी कमेंट कीजिए, और क्या चीज बुरा लगा और क्या चीजें मैं आपके लिए और क्या करूं जिससे आपके लिए और कुछ बेहतर हो सके, या आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सके, इसके लिए और क्या बेहतर कर सको, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।